दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के साथ सेंट्रल पैनल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप के चरण आईवी को हटा लिया है। यह कदम उठाया गया क्योंकि दिल्ली में AQI 6 नवंबर को 340 पर था, जो कि GRP चरण आईवी के तहत जरूरी उपायों को लागू करने के लिए निर्धारित सीमा से 111 अंक नीचे था। ग्रैप के उपायों को 3 नवंबर को लागू किया गया है, जब दिल्ली का AQI 450 के करीब पहुंच गया था। ग्रैप के चौथे चरण के तहत दिल्ली NCR में ट्रकों के साथ ही डीजल से चलने वाले हल्के मीटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये केंद्रीय पैनल की प्रदूषण विरोधी कार्यवाही का अंतिम चरण था। हालांकि वाहनों और आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है। पैनल ने पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में रहेगी। अगर ग्रैप चरण 3 के सभी उपाय अब से पूरे दिल्ली NCR में लागू होंगे, ग्रैप 4 हटाने के बाद दिल्ली नोएडा में 9 नवंबर तक फिर स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही BS3 वाहनों को भी एंट्री मिलेगी।